रुस्तम हिंद गामा पहलवान की सालगिरह गूगल डूडल का खिराज तहसीन। गूगल ने आज अपना डूडल बड़े सगीर के नाम और पहलवान गुलाम मोहम्मद बख्श उर्फ गामा पहलवान के नाम किया है, जिनकी आज 144वीं सालगिरह है। गामा पहलवान 52 बरस नाकाबिले शिकस्त रहे। गूगल के लोगो बीच में गामा पहलवान का खाका लगाया गया है, जिसके हाथ में गुर्ज है। इस पर क्लिक किया जाए तो गूगल सारिफ को सीधा विकिपीडिया के उस लिंक पर ले जाता है, जहां गामा पहलवान के बारे में तफसीलात हैं। गामा पहलवान का असल नाम गुलाम मोहम्मद बख्श था और वो जिला अमृतसर के गांव जबूवाल में पहलवानी से वाबस्ता एक मुसलमान कश्मीरी घराने में 22 मई 1878 को पैदा हुए। सिर्फ 10 बरस की उम्र में नामी ग्रामी पहलवानों को चित करके हिंदुस्तान भर में शोहरत के झंडे गाड़े। दुनिया भर में फन पहलवानी में नाम कमाने के लिए 1910 में लंदन में दुनिया भर के पहलवान को चैलेंज किया और टेप्सको को हरा कर रुस्तम जमान का टाइटल अपने नाम किया और सोने की बेल्ट के हकदार भी करार पाए। इनका ये एजाज 109 बरस गुजर जाने के बावजूद आज भी कायम है। गामा पहलवान की मौत से चंद बरस कबल इन्हें सांप ने काट लिया था, लेकिन बरवक्त बेइमदाद से इनकी जान बचा ली गई थी। इसके बाद आने वाले बरसों में इनकी सेहत बिगड़ती गई। इस वक्त की हुकूमत ने भी इनके इलाज पर कोई तवज्जो ना दी और वो 23 मई 1960 को इस दुनिया से रुखसत हो गए। गामा पहलवान से मुतालिक मौलाना तारिक जमील ने दिलचस्प वाकया शेयर किया, जो आज के नौजवान के लिए सबक है कि अगर आप ताकतवर हों तो आपको किस तरह का रवैया रखना चाहिए। इनका कहना था कि गामा पहलवान का सब्जी लेते हुए एक बाजार में झगड़ा हो गया। सब्जी वाले ने गुस्से में वजन करने वाला पाट उठाकर मारा और गामा पहलवान के खून निकल आया। गामा पहलवान ने कोई रद्द अमल ना दिया और पगड़ी को जख्म वाली जगह पर बांध कर चल पड़ा। लोगों ने जब पूछा कि ये क्या है तो उसने खून निकाल दिया और आग चल पड़े, जिस पर गामा पहलवान ने कहा कि मुझे कमजोर को मारते हुए शर्म आती है।